बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये वाकई बहुत मौजू जो है बहुत अहम है हम सब के लिए और हमारे मुल्क के लिए, और इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है हमें ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं मिलती रही है हिस्टोरिकली। तो इसका मैं अपने गुफ्तगू का आगाज करने से पहले एक अर्ज करता चलूँ कि मैंने इस पे एक किताब मुरतब की है जो अभी इंशाल्लाह जल्द ही मे बी विद इन अ मंथ आईपीएस पे डिपेंड करता है, आईपीएस के थ्रू ही वो पब्लिश होने जा रही है, गवातर बे टू सर क्रीक, जिसमें गवादर खास तौर पर बहुत अहम जिक्र है, काफ़ी पोर्शन उसमें गवादर पे हामिल है और इसके रिट्रोसेशन के हवाले से भी उसमें ऑथेंटिक चीज़ें ब्रिटिश आर्काइव्स वगैरह से हासिल की गई हैं जो कि उनके रेफरेंसेस वगैरह के साथ मौजूद। तो इस सिलसिले में मैं अर्ज करता चलूँ, थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड भी बताता चलूँ कि उसमें गवादर की रिट्रोसेशन के हवाले से, क्योंकि ये चीज़ चल रही है, तो गवादर पाकिस्तान बनने के बाद एक्चुअली 54 तक वेट नहीं किया हमारी गवर्नमेंट ने, बिल्कुल शुरू में गए से ही पाकिस्तान बना तमाम मुश्किलात के बावजूद। प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान के ज़माने में ही इसको जो है इसका आगाज कर दिया गया था नेगोशिएशंस का कि जी इसको ब्रिटिश हुकूमत से टेकअप किया, और फिर उनके बाद जितनी भी प्राइम मिनिस्टर आए, जितने भी गवर्नमेंट आए, उन्होंने उसको परसू किया, सब ने एक से एक बढ़कर आगे उसको परसू करने की कोशिश की और ब्रिटिश को फोर्स किया कि ब्रिटिश किसी भी वक्त किसी भी मौके पर वो अपने फवायद ऑब्वियसली जैसे हर मुल्क देखता है वो देख रहा था, तो ब्रिटिश जो है वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे कि वो ओमान को नाराज कर सके, क्योंकि ओमान को उस पूरे रीजन में उन्होंने कंट्रोल करने के लिए एक अपना हब बनाया हुआ था और सुल्तान ऑफ ओमान से वो बहुत सारी काम लेते थे, तो इसलिए उसको वो नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो कुछ ना कुछ डिले करते रहे। ये सारी तफसील काफ़ी तफसील से कई चैप्टर इस पे हैं, ये आने वाली किताब में इंशाल्लाह तो उसमें देखेंगे तो ऑथेंटिक तरीके से उसको पता चलेगा। और इवेंचुअली पाकिस्तान गवर्नमेंट उसको मुख्तलिफ बोगरा साहब समेत और चौधरी मोहम्मद अली समेत, इवन प्रेजिडेंट सिकंदर मिर्ज़ा और फाइनली फिरोज खान मून, हर किस्म का जो भी उनके पास हथियार था उसे इस्तेमाल करते रहे, नेगोशिएशंस भी, परसुएशन भी और थ्रेट भी कि जी गवादर इस अपना ओमान जो इसको डिफेंड नहीं कर सकेगा, अगर हम इसको सिर्फ कॉर्डन ऑफ कर दें इसके नेक पे तो ये बिल्कुल मजबूर हो जाएगा और इवेंचुअली फिर हमें उस पर इसके लिए टेक ओवर करने के लिए हमें इकदाम करने पड़ेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको उनको बार बार यही हवाला देती रही कि हम उनसे बात कर रहे हैं, अभी आप ऐसा एक्सट्रीम एक्शन ना लेना वगैरह वगैरह, तो हम उसको ऑब्वियसली डिप्लोमेटिकली भी हैंडल करना चाहते थे, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता डिले करते रहे लेकिन उनके अपने मजबूरियों को देखते हुए, लेकिन साथ साथ प्रेशर कायम रहा थ्रू आउट। और इवेंचुअली जब फिरोज खान नून साहब प्राइम मिनिस्टर बने, पहले वो जो फॉरेन मिनिस्टर थे उस वक्त भी उन्होंने उसको बहुत परसू किया, और इवेंचुअली फिर जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने और ज़्यादा परसू किया, और जब प्राइम मिनिस्टर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आए विजिट करने के लिए तो उस मीटिंग में उन्होंने उनसे काफ़ी मुराहत ले ली इस सिलसिले में कि अगर ओमान सुल्तानों को ओमान नहीं मानता है और हमने कोई एक्शन लिया तो आप उस बीच में नहीं आएंगे, या कम अज़ कम उस वक्त तक आप ओमान के साथ कोई दिफाई मुआहदा नहीं करेंगे, क्योंकि इसी दौरान में ओमान के साथ एक बहुत लॉन्ग टर्म दिफाई मुआहदा करने जा रहे थे ब्रिटिश, जो कि इवेंचुअली उन्होंने किया, लेकिन उस सारे प्रोसेस में तो ये वादा ले लिया था कि आप उस मुआहदे को उस वक्त तक साइन नहीं करेंगे जब तक कि पाकिस्तान का ये गवादर से ओमान के साथ ये गवादर का मामला हल नहीं हो जाता, जिस पे कि वो एग्री हुए। उस पे उनकी जो ब्यूरोक्रेसी थी वो काफ़ी नाराज़ भी हुई उनसे इंटरनली कि जिसने हमें बड़ी मुश्किल में डाल दिया है, लेकिन इवेंचुअली उस पर उन्होंने ऑनर किया और फाइनली सुल्तान को बहुत ही रिलक्टेंटली सुल्तान इवेंचुअली माना। और सुल्तान ने जो है वो सुल्तान का बैकग्राउंड बताता चलूँ कि ये जो सुल्तान साहब थे जिस वक्त इनसे हुआ, ये सुल्तान काबूस के फादर की बात हो रही है, वो इंडिया के में पढ़े हुए थे, वहाँ के से उन्होंने ग्रेजुएशन वगैरह की थी, वो बहुत साफ उर्दू बोलते थे, बेहतरीन इंग्लिश बोलते थे और बेहतरीन इंग्लिश लिखते भी थे और बहुत शार्प थे। तो वो उन्होंने नेगोशिएशन जब शुरू की तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग, जबकि शुरू में अजीज़ अहमद साहब फॉरेन सेक्रेटरी होते थे उस ज़माने से उन्होंने नेगोशिएशन शुरू हो चुकी थी, और बाद में वो अजीज़ अहमद साहब फिर हमारे वहाँ पर प्राइम एम्बेसडर भी बने और उसी ज़माने में फिर इससे ज़्यादा प्रोग्रेस हुई। तो वो सुल्तान ने बहुत ही हार्ड नेगोशिएशन किए हमारे साथ,
जिसकी कोई इंतहा की नहीं कि वो आधे मिलियन से शुरू होकर इवेंचुअली 3 मिलियन पे जाके बात पहुंची। और ये भी हमारा एक थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करता चलूँ कि जो हमारे पास ये मुख्तलिफ इतलात आती हैं, एटलीस्ट मुझे मेरी रिसर्च में नहीं मिला कि जी इसके पैसे जो हैं आगा खान साहब ने या किसी दूसरे ने, उन्होंने ज़रूर कंट्रीब्यूट किया होगा किसी न किसी सूरत में इस सारे प्रोसेस में, लेकिन पैसा जो जो उनके पास गया वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से गया। और सुल्तान ने ये कंडीशन लगाई थी कि जब तक पैसा मुआहदे जब मुआहदा फाइनल भी हो गया था तो उसने कहा मैं डेट नहीं दूंगा चेंज होने की जब तक कि पाकिस्तान ये पैसा यूके गवर्नमेंट के बैंक में उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर देता, जो कि इवेंचुअली मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। जब वो पैसा ट्रांसफ़र हो गया तो उसने फिर 8 सितंबर की डेट दी और फिर इवेंचुअली ये ट्रांसफ़र हुआ। तो ये पाकिस्तान गवर्नमेंट का ही सारा डेट है। इसी तरह से बेगम वकारन सनून का उन्होंने ज़रूर बहुत अहम रोल प्ले किया होगा, लेकिन जब कम से कम ब्रिटिश आर्काइव्स वगैरह में से जो मैंने रिसर्च की उसमें उनका ज़्यादा जिक्र नहीं है सिवाय एक दो जगह पर कि जहाँ के फिरोज़ गानून साहब के साथ सोशल तौर पर उनका शुक्रिया अदा किया गया है कि जी वी मेट टुगेदर और उनका शुक्रिया अदा कीजिएगा मेरी तरफ से। तो ये पाकिस्तान गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टांस था थ्रू आउट पाकिस्तान बनने के बाद से लेके और रिसोसिएशन तक। इंडिविजुअल्स ने ज़रूर कोऑपरेट किया होगा, कोशिशें की होंगी और उन्होंने कंट्रीब्यूट किया होगा, लेकिन ये ओवरऑल सारा पाकिस्तान गवर्नमेंट का अपना किया हुआ था। और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट जैसे मैंने बताया कि इसलिए भी रिलक्टेंट थी कि उनके बहुत सारे ओमान से फ़ायदे होने थे और उन्होंने इसी सारी नेगोशिएशन के दौरान पाकिस्तान से भी फवायद हासिल किए। उस ज़माने में जब ये सुल्तान जो थे तो उमान और मस्कत दो अलग अलग थे, इमामेट अलग थी और ये सुल्तान अलग था, तो उनका आपस में झगड़ा चल रहा था और उसमें भी पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि आप इस पर वो ना करें, कम से कम इस पर आवाज़ ना उठाएं ताकि मुस्लिम उम्मा में इसकी अपोजिशन ना हो, क्योंकि ब्रिटिश क्यों थे वो सुल्तान की तरफ से मिल के इमाम के खिलाफ लड़के और उसको शिकस्त दी, इवेंचुअली उन्होंने शिकस्त दी थी। फिर बुरेमी का एक इंसिडेंट हुआ कि जिसमें कि वो वहाँ पर जंग थी जिसमें कि सऊदी अरेबिया इन्वॉल्व था और सऊदी अरेबिया उसमें इन्वॉल्व था और सऊदी उसी बुरेमी की वजह से कुछ अरसे के लिए सऊदी अरब और यूके के आपस में सिफारती ताल्लुकात टूट गए और उसमें फिर उन्होंने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की यूके ने कि इस मामले में हमारी मदद करें कि ताकि मामला फिर दोबारा पेश हो। तो पाकिस्तान ने बड़ा की रोल अदा किया और मैं उस वक्त की तमाम हुकूमतों को वाकई खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। उन्होंने कंसिस्टेंटली हुकूमतें बदलती रहीं लेकिन हमारा मौजू एक ही रहा और उसमें एक ही तरह से फोकस रहा और उस फोकस के नतीजे में इवेंचुअली फिर 8 सितंबर को पाकिस्तान के गवादर हासिल करने में कामयाब हो गए। और थ्रू आउट इन सारी नेगोशिएशन में रिसोसिएशन में सुल्तान ऑफ ओमान का स्टांस ये था कि वो पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट नेगोशिएशन किसी भी स्टेज पे नहीं करेगा और उसने नहीं की। ये जो हमारे गवादर हमने हासिल भी किया तो अरेंजमेंट अगेन वो किताब में पूरी तफसील से पूरा डिटेल प्रोग्राम है किस वक्त क्या हुआ कि उसमें सुल्तान ने एक कंडीशन रखी थी कि सुल्तान उसको 6 सितंबर को यूके के हवाले कर देगा और फिर 7 सितंबर के आ जाएंगे यूके, 7 सितंबर को ये यूके के पास था और फिर यूके गवर्नमेंट ने हमारे हवाले किया इंटर, तो इट वाज ऑलरेडी एज पर द एग्रीमेंट वो था। तो वो सुल्तान इस चीज अवॉइड करता रहा, हालांकि पाकिस्तान गवर्नमेंट उनको कई दफा कहती भी रही यूके गवर्नमेंट को कि आप बीच में से हट जाएं, हमें इसे डायरेक्ट डील करने दें, हमें पता है ये कौन सी जबान समझता है, हम उससे समझा देंगे। लेकिन वो फिर ब्रिटिश कहते थे कि नहीं हाथ रहौला रखें तो आप हमारे आहिस्ता आहिस्ता नेगोशिएशन करें हो जाएगा काम, तो इवेंचुअली फिर ये हो गया। तो अल्लाह का शुक्र है कि हो गया। और गवादर की अहमियत इतनी थी उस वक्त तक और हमारी क़यादत की नज़रों में भी उस वक्त तक इतनी अहमियत थी कि इन नेगोशिएशन के फाइनल स्टेजेस पे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने रिटर्न गवादर डेवलपमेंट प्लान पूरा बनाया हुआ था कि उसमें पोर्ट समेत बाकी भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में क्या क्या डेवलपमेंट करेंगी, पूरा डिटेल प्लान, उसमें कितना पैसा लगेगा, कहाँ से वो पैसा आएगा, वो सारा प्लान यूके के साथ शेयर किया कि आप सुल्तान ऑफ ओमान को बताएं कि हमारे बहुत सारे प्लान्स हैं इस इलाके के लिए और ये यहाँ की आवाम के लिए भी बहुत अहम है। तो वो पूरा प्लान रिटर्न में है, अगेन वो भी एक एनेक्सचर के तौर पर इस किताब में मौजूद है, वो भी देखेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इतना डिटेल प्लान होने के बावजूद गवादर हासिल करने से पहले से जो प्लान मौजूद था
उसके बावजूद गवादर पे वो तवज्जो ना दी जा सकी जिसकी की वो जरूरत थी टिल रिसेंटली। और अंजुम माइसेल्फ और हम देखते रहे हैं सन 71-72 से कि गवादर बिल्कुल ही अंडर डेवलप्ड या नॉन डेवलप्ड एरिया रहा, और फिर इवेंचुअली अभी तकरीबन लेट 90s में और अर्ली 2000 वगैरह में फिर ये जो कोस्टल हाईवे बना और गवादर पोर्ट बना। मेरे अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब गवादर पोर्ट जब इतनी अहमियत थी, प्रॉबेबली हम सब ने बचपन से सुना होगा कि इतनी अहमियत है गवादर पोर्ट और वार्म वाटर पोर्ट वगैरह वगैरह, इस सारी चीज़ के बावजूद जब कराची पोर्ट थोड़ी सी ज़्यादा बिजी हो गई और अर्ली 70s में जब दूसरी पोर्ट की ज़रूरत महसूस हुई तो दूसरी पोर्ट गवादर बनाने के बजाय जो कि इतने अरसे से सबको मौजूद था कि कितनी अहम है, वो पोर्ट कासम में बनाई गई। पोर्ट कासम जो कि इतनी लंबी चैनल फिटी क्रीक से गुजर के जाके उस पोर्ट में जाना पड़ता है, और दूसरा वो पोर्ट कासम और कराची तो एक ही पोर्ट कॉम्प्लेक्स हुआ, कराची पोर्ट कॉम्प्लेक्स। अगर उस मौके पे नेशनल लेवल की सोच होती बजाय रीजनल लेवल की सोच के और गवादर पोर्ट उस वक्त डेवलप हो चुका होता तो पूरा रीजन और सब कुछ शायद बदल चुका होता। लेकिन बहरहाल ये इस तारीख का हिस्सा है कि उस वक्त भी गवादर पे इतनी तवज्जो नहीं दी गई, इवेंचुअली अब गवादर बन भी गया है, गवादर पोर्ट भी। लेकिन अभी भी मेरे अपने ख्याल के मुताबिक गवादर पर वो अटेंशन नहीं दिया जा रहा जिसकी के उसको ज़रूरत है। इसके मैं थोड़ी सी मिसाल दूँ कि गवादर पोर्ट बन चुका था, ये तकरीबन 2007-08 की बात मैं कर रहा हूँ, गवादर पोर्ट बन चुका था, उसके बावजूद गवादर पोर्ट से बजाते खुद पोर्ट बनने से तो कुछ नहीं, जब तक कि उसकी कनेक्टिविटी नहीं होगी रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ या बाकी चीज़ों के साथ, तो सिर्फ पोर्ट क्या करेगी वहाँ पर। तो वो जो M8 का बन रहा है या बन गया है तो वो कनेक्टिविटी नहीं हो रही थी उसके लिए प्लानिंग कमीशन वाले कहते थे हमारे पास पैसा नहीं है। मैंने खुद प्लानिंग कमीशन वालों से इंटरेक्ट किया, उस वक्त प्लानिंग कमीशन वगैरह थे, उन्होंने मुझे बुलाया था इस बातचीत के लिए, उसके लिए पैसा नहीं था पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास। लेकिन कराची के अंदर ही एक तो पहले पोर्ट कासम बनाया गया था, उसके बाद कराची में डीप सी पोर्ट डीप वाटर पोर्ट टर्मिनल जो है वो अलहदा बना दिया गया, उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे बिलियन ऑफ रुपीज नहीं लगाए हमने गवादर को कनेक्ट करने के लिए गवादर पोर्ट बनने के बावजूद, लेकिन कराची में ही हमने डीप वाटर टर्मिनल बना दिया जो कि अभी भी ऑब्वियसली मौजूद है, और वहां से कंटेनर्स निकालने का मुसीबत है कि वहां से कंटेनर जाएंगे कहां। तो मेरा कहने का मुराद ये है कि हमें नेशनल लेवल पे सोचने की जरूरत है, रीजनल या छोटी छोटी इश्यू से निकल के बड़े लेवल पे सोचेंगे तो तभी हमारा मुल्क में सही मानों में तरक्की हो पाएगी जिसका पोटेंशियल बहुत है। लेकिन मैंने काफी टाइम ले लिया, आप लोगों का शुक्रिया, और अब आगे देखते हैं कि डिस्कशन कैसे चलती है। बहुत बहुत शुक्रिया।